दोस्तों सीएससी रजिस्ट्रेशन को लेकर एक डाउट है, इसे कमेंट में पूछा है एमडी जफर आलम ने। सर मैंने टीसी का एग्ज़ाम पास कर लिया है, मगर सीएससी में रजिस्ट्रेशन करते समय नेम डिड नॉट मैच एरर आ रहा है, और क्या मैं दोबारा से टीसी अप्लाई कर सकता हूँ और इसी नाम से? तो देखिए दोस्तों, अगर आप सीएससी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और वहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो डिटेल है, आपका जो नाम है, वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपके आधार कार्ड में जो नाम है उसकी जो स्पेलिंग है वो एक बार चेक कर लीजिए आप, और जो आपका टीसी का सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम है उसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिए। उन दोनों में डिफरेंस ज़रूर होगा, ठीक है, नाम में हो सकता है और आपके पिताजी के नाम में हो सकता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत है, चाहे नाम हो गया, चाहे डेट ऑफ बर्थ, चाहे पिताजी का नाम, आपको क्या करना है, आपको अपने नाम से दोबारा टीसी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अपने टीसी सर्टिफिकेट में करेक्शन कराना होगा। और करेक्शन करवाना कैसे है, उसके लिए आप टीसी की सपोर्ट टीम को मेल कर सकते हैं, और मेल में आप लिख देना कि सर मेरा जो नाम है वो मैच नहीं कर रहा, या मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच नहीं कर रही, या मेरे पिताजी का नाम है वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। और जो आपके आधार कार्ड में नाम है वही नाम आपको अपने टीसी सर्टिफिकेट में लिखवाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, और अगर आपको भी इसके अलावा कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। और एक बार दिखाता हूँ आपको लास्ट में जो टीसी की सपोर्ट टीम है उसकी मेल आईडी कौन सी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेकंड, देखिए आप टीसी की वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है, और यहीं पर दोस्तों आपको टीसी की मेल आईडी मिलेगी जिस पर आपको मेल करनी है। देखिए ये मेल आईडी है, ये वाली, इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करनी है। और एक बार थोड़ा जूम कर दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए ये वाली मेल आईडी है tc.support.csacademy.org, इस पर आपको मेल करनी है। दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, और अगर कोई डाउट डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।